प्रशासन की जो दर है वो 7% के आसपास जाएगी, ऐसे में तो लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। अभी वो स्थिति में रायपुर नहीं है, हम उस स्थिति में अगर पहुंच जाएंगे तब उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे उस पर आज समग्र चर्चा हुई है। नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति में कौन कौन सी गतिविधियां खुली रहेंगी, इस पर कोई बातचीत हो पाई? हाँ, काफी उस कलेक्टर महोदय ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको आप उसमें कंप्लीट गाइडलाइन में सब कुछ बात। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार बैठक हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में क्या क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ स्थिति है। सौभाग्य से एडवांस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रभारी मंत्रियों को और आदरणीय कलेक्टर साहिबान को आदेश किया हुआ है कि हम लोगों को प्रिकॉशनरी किस तरीके से तैयारी करना है, उस सिलसिले में अपनी तैयारियां पूर्ण रखें। मास्क को लेकर के सर अभी सख्ती बरती जा रही है, आने वाले दिनों में क्या ये सख्ती और ज्यादा देखने को मिलेगी? मैंने कहा सख्ती नहीं कहा, मास्क जरूरी है, इसका अभियान चलाएंगे हमारे विभिन्न विभाग के लोग। जी, मेरा सवाल ये है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पहले कम था लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, सभी जिला कलेक्टर्स को कहा गया कि आप डिसीजन लें, जिला कलेक्टर तो ये देर नहीं करते कहीं ये निर्देश नहीं है कि अपने हिसाब से निर्णय लें। निर्देश यह है संक्रमण का प्रतिशत जो बढ़ते जा रहा है उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है, रोकने की व्यवस्था करना है, नंबर एक। और संक्रमण केवल यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में बहुत खराब स्थिति में है, दिल्ली बहुत खराब स्थिति में है, और चूंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, प्रतिदिन हजारों हजार लोगों का छत्तीसगढ़ आना और बाहरी राज्यों में जाना होता है, हमको सावधानी बरतने के लिए प्रिकॉशन में क्या क्यों कुछ करना है उसकी तैयारी करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं देर नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ ये निर्देश एडवांस में हुआ है। स्कूल थैंक यू सारे निर्देश कलेक्टर के गाइडलाइन में।